अस्सलाम वालेकुम वीवर। एसी की गैस वेल्डिंग या फ्रिज की गैस वेल्डिंग करने के लिए गैस वेल्डिंग सेट चाहिए होता है। गैस वेल्डिंग करने के लिए हमें दो गैसें चाहिए होती हैं, एक ऑक्सीजन गैस और दूसरी फान गैस। फान गैस का काम होता है टॉर्च को रोशन करना, टॉर्च में शोला रोशन करना, और ऑक्सीजन गैस का काम होता है उस शोले को तेज़ करना, शोले की स्पीड बढ़ाना। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर वाल लगा होता है, वाल को हम की के ज़रिए खोलते हैं। आम तौर पर कोई भी बोल्ट वगैरह खोलते हैं तो हम उल्टे हाथ खोलते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर का जो वाल लगा हुआ है इसको भी उसी समत में खोलेंगे। एरो का निशान भी दिया हुआ है, और सिलेंडर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन का प्रेशर है वो इस पहली वाली गेज में शो होगा जब हम चाबी के ज़रिए सिलेंडर के वाल को खोलेंगे। उसके बाद जितना हमें प्रेशर चाहिए होता है ऑक्सीजन का टॉर्च के शोले को तेज़ करने के लिए, इस लट्टू की मदद से हम उतनी सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद फान सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा हुआ है, इसका ये वाल लगा हुआ है, वाल खोलते हैं हम तो फान टॉर्च में आ जाती है, और टॉर्च के आगे दो वाल लगे होते हैं। ये जो नीचे वाला वाल है ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, और जो साइड पे वाल होता है ये वाला, ये फ़ान गैस को कंट्रोल करता है। तो अभी इसको ऑन करके चेक करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल खोलेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर का जब वाल ओपन किया तो ये गेज हमारी ऊपर चली गई है। इसमें जो प्रेशर शो हो रहा है वो तकरीबन 1500 से 2000 के सेंटर में आ रहा है इसका प्रेशर। और उसके बाद जब हम लट्टू टाइट करेंगे तो ये सुई ऊपर जा रही है, इसका प्रेशर हम जितना भी सेट करना चाहें उतना हम इसका प्रेशर सेट कर सकते हैं। इसके बाद फ़ान सिलेंडर का भी वाल ओपन करते हैं। ये भी आम रूटीन है, जिस तरह बोल्ट वगैरह की चूड़ी खुलती है इसी तरफ ये भी खुलेगा। फ़ान सिलेंडर को खोलने के बाद टॉर्च को रोशन करते हैं। फ़ान से टॉर्च का शोला रोशन हुआ है, अब हम इस वाले वाल से ऑक्सीजन खोलते हैं। ये हमारी टॉर्च रोशन हो गई। इस तरह वेल्डिंग गैस वेल्डिंग सेट ऑन करके हम फ्रिज में गैस वेल्डिंग कर सकते हैं, एसी की गैस वेल्डिंग कर सकते हैं लीकेज बंद करने के लिए या कंप्रेसर रिप्लेस करने के लिए।